इंदौर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसको देखते हुए इंदौर पुलिस शहर में काफी सख्ती से लॉकडाउन का पालन करवा रही है। इसी बीच एक ऐसे युवक को पुलिस ने पकड़ा जो लाखों रुपए की गाड़ी लेकर सड़क पर घूमने निकला था। पुलिस ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर इस युवक से उठक बैठक लगवाई और फिर छोड़ दिया। दरअसल युवक 85 लाख रुपए की कीमत वाली कार लेकर तफरी करने निकला था। इस दौरान कार में बैठे युवक ने ना ही मास्क लगाया था और ना ही कार में सैनिटाइजर था, साथ ही युवक के पास लॉकडाउन पास भी नहीं था। पुलिस ने जब इस युवक को रोककर लॉकडाउन पास और मास्क के बारे में पूछा तो वह बहस करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने उसे सबक सिखाते हुए सड़क पर ही उठक बैठक लगवा दी और जिसे नारा भी लगवाया कि वह समाज का दुश्मन है। बाद में पता चला कि युवक का नाम संस्कार है, जो कि आशा कंसल्टेंसी कंपनी के मालिक दीपक दरियानी का बेटा है। पिछले दिनों इस कारोबारी ने कोरोना से लड़ने के लिए प्रशासन को एम्बुलेंस दान में दी थी। आपको बता दें, इंदौर में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी रिपोर्ट में 91 नए मरीज सामने आए हैं। न्यूज़ डेस्क।